1984 की 2 और 3 दिसंबर की वो रात जो आज भी भारत के इतिहास के सबसे काली रातों में गिनी जाती है। इसी दिन औद्योगिक इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं में से एक भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। इस दिन को याद कर आज भी भोपाल के लोग सहम उठते हैं, आज भी लोगों के मन में से दर्द निकला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा दर्द यह है कि इस घटना के मुख्य आरोपी को कभी सजा ही नहीं हुई, जिसके लिए लोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन और उसकी मूल कंपनी के साथ सांठगांठ करने का आरोप लगाते रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी में क्या क्या हुआ था। दो और तीन दिसंबर की रात हुए इस हादसे में लगभग 45 टन खतरनाक मिथाइल आइसोसाइनेट गैस एक कीटनाशक संयंत्र से लीक हो गई थी, जिससे हजारों लोग मौत की नींद सो गए थे। यह औद्योगिक संयंत्र अमेरिकी फर्म यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की भारतीय सहायक कंपनी का था। लीक होते ही गैस आसपास की घनी आबादी वाले इलाकों में फैल गई थी और इससे 16,000 से अधिक लोगों के मारे जाने की बात सामने आई। हालांकि सरकारी आंकड़ों में केवल 3,000 लोगों के मारे जाने की बात कही गई। गैस संयंत्र से लीक हुई गैस का असर इतना भयंकर था कि इसके संपर्क में आए करीब 5 लाख लोग जीवित तो बच गए, लेकिन सांस की समस्या, आंखों में जलन और यहां तक कि अंधापन तक की समस्या से जीवन भर के लिए ग्रसित हो गए। इस जहरीली गैस के संपर्क में आने के चलते गर्भवती महिलाओं पर भी इसका असर पड़ा और बच्चों में जन्मजात बीमारियां होने लगी। यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन का अध्यक्ष वॉरेन एंडरसन इस त्रासदी का मुख्य आरोपी था, लेकिन उसे सजा तक नहीं हुई। वो त्रासदी के बाद भोपाल आया, लेकिन उसे सुरक्षित भोपाल से बाहर जाने दिया गया। ऐसा माना जाता है कि पुलिस और प्रशासन के 2 सीनियर ऑफिसरों ने वॉरेन एंडरसन को चीफ मिनिस्टर के स्पेशल एयरक्राफ्ट तक सरकारी वाहन से खुद छोड़ा। इस पूरे मामले की जांच राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने सीबीआई से कराई थी। घटना की 3 साल तक जांच करने के बाद सीबीआई ने वॉरेन एंडरसन सहित यूनियन कार्बाइड के 11 अधिकारियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। वॉरेन एंडरसन को कभी भारत नहीं लाया जा सका, उसकी अनुपस्थिति में ही पूरा केस चला। वॉरेन एंडरसन इज नाउ 80 इयर्स ओल्ड एंड डाउ केमिकल्स ऑफ यूनियन कार्बाइड इज नाउ पार्ट से ऑल क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स वर सेटल्ड इयर्स अगो। द 1st ऑफ फरवरी 1992 को भोपाल की कोर्ट ने एंडरसन को फरार घोषित कर दिया था। एंडरसन के खिलाफ कोर्ट ने 1992 और 2009 में 2 बार गैर जमानती वारंट भी जारी किया था, पर उसको गिरफ्तारी नहीं किया जा सका। 2014 में एंडरसन की स्वाभाविक मौत हो गई और इसी के चलते उसे कभी सजा नहीं भुगतनी पड़ी। Through the kitchen window of his luxurious home in the Hamptons, it's just possible to make out the figure of Warren Anderson, wanted by the Indian authorities on a charge of culpable homicide for his role in the Bhopal chemical tragedy. भोपाल गैस कांड के समय कलेक्टर रहे मोती सिंह ने अपनी किताब भोपाल गैस त्रासदी का सच में उस सच को भी उजागर किया, जिसके चलते वॉरेन एंडरसन को भोपाल से जमानत देकर भगाया गया। मोती सिंह ने अपनी किताब में लिखा कि वॉरेन एंडरसन को अर्जुन सिंह, जो उस वक्त भोपाल के मुख्यमंत्री थे, के आदेश पर छोड़ा गया था और अर्जुन सिंह को राहुल गांधी का समर्थन प्राप्त था। वॉरेन एंडरसन के खिलाफ पहली FIR गैर जमानती धाराओं में दर्ज की गई थी। इसके बाद भी उसे जमानत देकर छोड़ दिया गया।